नमस्कार, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गार्लिक नान कैसे बनेगा। तो इसके लिए गार्लिक नान बनाने के लिए हमने एक आटा बनाया जिसमें मैदा, शक्कर, नमक, तेल और पानी से गूंदा हुआ एक बहुत ही सॉफ्ट आटा है और उसको मैंने एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखा है तो ऐसे फूल जाता है। देखिए, अब हम बनाएंगे गार्लिक नान। रोलिंग पिन पे थोड़ा तेल लग गया है और आटे को अच्छी तरह से गोला कर दीजिए। हाथ से करिए या फिर रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से रोल हो गया तो उसके ऊपर थोड़ा सा तिल लगाइए, सफ़ेद तिल है, उसको अच्छे से दबाइए। और थोड़ा सा गार्लिक लगाएंगे। एक गार्लिक नान है इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक यूज़ कर। दूसरा बनाएंगे, थोड़ा सा तिल डालेंगे इसके ऊपर। अच्छे से दबाएंगे थोड़ा सा गार्लिक। ये तैयार है, इसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल के अच्छे से फैला लीजिए। वो सॉफ्ट हो जाता है। और एक बनाते हैं, ये दूसरा वाला भी तैयार हो गया है। इतना गार्लिक का अच्छे से गार्लिक पाउडर तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा गार्लिक नान पराठा। गार्लिक नान जो आप तिक्खी है किसी के साथ खा सकते हैं। लहसुन और तैयार है गार्लिक नान जो हम दाल के साथ
साथ, या चिकन टिक्का, चिकन मसाला, पनीर मखनी के साथ भी खा सकते हैं। आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।